This call is now being recorded. सर स्वागत है सर आपका। अभिषेक जी बहुत धन्यवाद। जी सर सुप्रभात सर। सुप्रभात सुप्रभात। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए ठीक हैं? जी जी सर ठीक हूँ। चलिए तबीयत भी ठीक है तो नहीं तो इसलिए नहीं तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से पूछा। हाँ नहीं नहीं ठीक है अभी ठीक है बिल्कुल ठीक है। जी सर तो सर आराम करें सर। हाँ हाँ बिल्कुल आराम किया जाए। सब लोग जुड़ गए? जी सर विद्यार्थी लोग जुड़ गए हैं लगभग और जो आते रहेंगे बीच बीच में जुड़ने के। तो सबसे पहले सुप्रभात सभी को प्रिय विद्यार्थियों। जैसे आप सबों को ज्ञात था कि आज हम लोग वापस से चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम के एमएसडी छठवे जो ब्लॉक है एमएसडी सिक्स के ब्लॉक पांचवे आधुनिक साहित्य दो जिसका नाम है उसका शुरुआती दो इकाइयों पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। जो उत्तर छायावादी कविता हो या प्रगतिशील साहित्य उस पर चर्चा हो चुकी है। बाकी जो दो इकाई बची थी प्रयोगवाद और नई कविता समकालीन कविता इन दो विषय पर चर्चा करने के लिए पुनः डॉक्टर विशाल गौतम सर हम सबों के समक्ष उपस्थित है। तो मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से अपने हिंदी परिवार की ओर से विशाल गौतम सर का स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय दिया। पिछली कक्षा में सर की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी कामना के साथ कि सर स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि आज के विषय पर चर्चा करें आज की कक्षा को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद अभिषेक जी और सब लोगों का स्वागत है। और अब हम लोग सीधे विषय पर आ जाते हैं। समय चूंकि कम रहता है और विषय काफी बड़ा है। पिछली कक्षाओं में हमने छायावाद उत्तर छायावाद के बाद की जो कविता थी उसके बारे में विचार किया और प्रगतिशील कविता या प्रगतिवाद के बारे में हमने विचार किया था। आज जो हम दो यूनिट जिन पर हम विचार करने जा रहे हैं उसमें पहली यूनिट है प्रगतिवाद और नई कविता और दूसरा जो विषय है वो है समकालीन कविता। दोस्तों ये जो कविता का प्रगतिशील कविता के बाद का जो दौर है वो अनेक धाराओं अनेक कह लीजिए कि प्रवृत्तियों का जब साहित्य एकमेक हुआ तो आप इसमें देखेंगे कि अनेक नाम कविता के सुनाई देते हैं। प्रगतिवाद नई कविता समकालीन कविता फिर अकविता फिर और तमाम तरह की भूखी पीढ़ी की कविता और ये और वो तो एक लंबा एक अनेक धाराओं में बटी हुई कविता हमें मिलती है। लेकिन उसे जब हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो यह दिखाई देता है कि कुछ ऐसे सूत्र हमें मिलते हैं जिनके सहारे हम उस कविता पर बात कर सकते हैं उस पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों प्रगतिवाद के बाद की जो कविता थी उसको हमने प्रयोगवाद कहा प्रयोगवादी कविता कहा और वही कविता धीरे धीरे आगे कुछ समय बाद नई कविता कहते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन धीरे धीरे इस कविता के मोमेंट में कविता की वैचारिकी में होता चला गया। याद होगा मैंने बताया था कि कविता का जो स्फीयर है जो केंद्र है कविता का जो घेरा है चक्र है उसके केंद्र में कभी कोई प्रवृत्ति होती है तो कभी कोई प्रवृत्ति होती है तो कभी कोई यानी वह पहिया जो है कविता के चक्र का वो चलता रहता है। छायावादी कविता में हमने देखा कि वहाँ मैं यानी व्यक्ति केंद्र में था मैंने मैं शैली अपनाई तो उस स्फीयर उस चक्र के केंद्र में वो व्यक्तिवादी कविता थी वो स्वयं की कल्पना और स्वयं की अनुभूति की कविता थी। फिर उससे आगे जब स्फीयर बढ़ता है तो हमारे केंद्र में समाज आता है समाज की रियलिटी आती है समाज और उसका संघर्ष आता है उसका यथार्थ आता है। तो जब केंद्र से व्यक्ति हटता है और समाज आता है तो उस कविता को हमने क्या कहा
प्रगतिवाद कहा, प्रगतिशील कविता कहा, जो कि मार्क्सवादी विचारों पर आधारित कविता थी और शोषितों का शोषित और वंचित जनता की वकालत की कविता कही गई। इसका दौर चला 43 तक, 1936 में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत मानी गई और 43 तक यह दौर काफ़ी फलता फूलता रहा। लेकिन फिर एक दौर नई हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में आया, जिसको हमने प्रयोगवाद कहा। सन 1943 में पहला तार सप्तक छपा था, अज्ञे संपादक थे, अज्ञे के संपादकत्व में, और 7 कवि थे, इसलिए सप्तक कहा गया उससे, तार सप्तक। और उसी तार सप्तक के प्रकाशन से हम हिंदी कविता को प्रयोगवादी कविता कहने लगे। तो हमने जैसा बताया, छायावाद के केंद्र में पहले व्यक्ति था, प्रगतिशील कविता के समय केंद्र में समाज था, फिर केंद्र बदला, फिर प्रयोगवादी कविता में फिर से व्यक्ति की चेतना, व्यक्तिवादी, वह उस अर्थों में नहीं जिन अर्थों में छायावाद में थी, कल्पना और ये सब का प्रभाव था, ये ज़्यादा सघन कविता हुई, ज़्यादा सघन अनुभूति की कविता थी। लेकिन इन्होंने कहा, प्रगति प्रयोगशील कविता वादियों ने कहा कि मानव मन की पीड़ा को समझना होगा, उसकी व्यथा को समझना होगा, जिससे कि उस पूरे संघर्ष में मानव मन की पीड़ा के माध्यम से हम समग्र समाज और सार्वभौमिक रूप से हम समाज का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और साहित्य का भी, तो उसके प्रभाव को भी हम परिलक्षित होता हुआ देख सकते हैं। तो फिर से एक बार केंद्र बदला और फिर हमारे प्रयोगवाद में अंतर्मन की जो पीड़ा है वह फिर हमें दिखाई देने लगी। वो चाहे आप देख लीजिए ब्रह्मराक्षस कविता में, वो पिस गया भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो वो व्यक्ति के वो अब अंधेरे में कविता आप देखिए, वह उसी उसी अनेक एकांत मन की कविता है, एकांत संघर्षमय मन की कविता है, जो समग्र समाज में हो रहे द्वंद पीड़ा संघर्षों को बयां करती है। तो बहरहाल इस रूप में हम आज प्रयोगवाद और नई कविता को भी समझेंगे और फिर आगे नई कविता फिर धीरे धीरे अपने और ज़्यादा सुरलिज्म के प्रभाव कह लीजिए, अति यथार्थवाद का प्रभाव कह लीजिए, यथार्थ और समय का ज़्यादा दबाव कह लीजिए, उससे फिर वह समकालीन कविता में तब्दील हो जाती है। उसके कुछ अपने मायने होंगे, उन सबको आज जानने और समझने की चेष्टा हम करेंगे। इस बीच आप लोग जो मन में जिज्ञासा हो वो लिखते जाइएगा और अंत में कक्षा के हम उस पर बात करेंगे। प्रयोगवाद और नई कविता जिस रूप में सब जानते हैं कि 43 में पहला तार सप्तक अज्ञेय के संपादकत्व में आया, उसी समय से हम प्रयोगवाद की शुरुआत मानते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में 2-3 चीज़ें कही जाती हैं कि यह किसके खिलाफ आया। यानी देखिए, कोई जब नया आंदोलन कविता में आता है तो अपने पहले के आंदोलन से अलग होता है और उसके कुछ ना कुछ उसके खिलाफत में आता है, उसके विरोध में आता है। इस विरोध को साहित्य के होने, साहित्य जगत के होने के नाते हम लोगों को इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। वह विरोध व्यक्ति मन का विरोध नहीं था, विचारों का विरोध था। और विरोध इस रूप में था, जब आप कोई स्ट्रगल होता है, जब विरोधी ताकतों का स्ट्रगल होता है, तभी सोसाइटी हमारी आगे भी बढ़ती है। इस रूप में भी हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म, छायावाद में जो अतिशय कल्पना थी, सूक्ष्म सौंदर्य बोध की एकांगिकता थी, उसके खिलाफ, उसके बरक्स यह काव्य आंदोलन हमारे सामने आता है। ये माना गया कि प्रगतिवाद एकांगी आंदोलन है, वो सिर्फ समाज और हो रहे शोषण को तो दिखाता है, लेकिन व्यक्ति मन के अंदर जो संघर्ष है
उसे नहीं दिखा पाता। थोड़ा ध्यान देना होगा कि 43 के बाद धीरे धीरे जब देश आज़ाद हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, मध्य वर्ग का बहुत विकास होता है, लोगों का पलायन बहुत होता है, गांवों से शहर लोग जाते हैं, और शहरों में जो एकांत भोगते हैं, जो नॉस्टैल्जिया की बात जो साहित्य में की जाती है, उसका जो दंश झेलते हैं, अवसरवाद का जो दंश झेलते हैं, वह समाज में नहीं परिलक्षित होता। अब आप कह लें कि जैसे कोई अंतर्मन के विरोध, अंतर्मन की पीड़ा से अभिशप्त होकर आत्महत्या कर लेता है, तो यह आत्महत्या, यह कारण वह समाज है, लेकिन वो उस घटना कहाँ घट रही है, व्यक्ति के अंदर घट रही है। यही यह कविता कहती थी कि जो घटनाएं हैं भले ही वो समाज में घटित हो रही हैं, लेकिन वो अंततः उनका प्रभाव कहाँ पड़ता है, व्यक्ति मन पर पड़ता है, व्यक्ति की चेतना पर पड़ता है। और वो जो संघर्ष है वो मुक्तिबोध की कविताओं में हो, रघुवीर सहाय आगे आएंगे उनकी कविताओं में हो, या शमशेर जी की कविताओं में हो, या प्रयोगवादी अनेक कवि कवियों में, प्रयोगवादी कवि ही आगे नई कविता के कवि कहलाए, उनकी सबकी कविताओं में हम देख सकते हैं। प्रगतिवाद को इसीलिए कहा गया कि प्रगतिवाद जो है वो संकीर्णतावादी आंदोलन था, जिसमें रचनाकार की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया गया। रचनाकार की स्वतंत्रता क्या है? रचनाकार तो अपने अंदर भी रचेगा, बाहर भी रचेगा, बाहर के भी जीवन को रचेगा, लेकिन प्रगतिवाद ने कहा कि अंदर का नहीं रचना, बाहर का ही रचना है, यानी बाहर जो कुछ दिखे वही लिखना है, तो इसलिए इसको कहा गया कि एकांगी है। लेकिन प्रयोगवाद ने कहा कि वो राहों के अन्वेषी हैं। उन्होंने कहा कि जो अभिव्यक्ति के लिए नई नई राहें हो सकती हैं, भाषा के मामले में, अनेक शिल्प के मामले में, अनेक अभिव्यक्तियों के मामले में, तो नई नई नए नए अन्वेषण, तो इस रूप में भी इस कविता को देखा गया। प्रगतिवाद, हम बार बार प्रगतिवाद इसको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखना होगा कि उसी के बरक्ष एक काव्य आंदोलन आया था, उसी के एक तरह से संघर्ष और विरोध में एक काव्य आंदोलन आया था। प्रगतिवाद में विषय वस्तु को बहुत ध्यान दिया गया कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज दिखे, समाज में हो रहा अत्याचार दिखे, शोषण दिखे। लेकिन प्रयोगवाद ने कहा कि ठीक है, वह तो दिखना ही चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति है वो अपने ही अंतर विरोधों और अपने ही अंदर के संघर्ष को भी तो बयां करेगा। इसीलिए ये प्रयोगवाद अपने सभी संदर्भों में, भाषा के मामले में, शिल्प के मामले में, अभिव्यक्ति के मामले में, प्रयोग धर्मी, उन्होंने कहा कि हम प्रयोग धर्मी हैं, प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग शब्द जो है वो एक सूझा हुए हैं चित्रकार, उन्होंने अपनी कविता, अपनी चित्रकारी के को के लिए कहा कि यह प्रयोग जो है वो एक अंग्रेजी का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कहा अपने चित्रों के लिए कहा कि हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यह कला की दुनिया यानी चित्रों की दुनिया से आया हुआ शब्द था, इसको अज्ञे ने कहा कि हम प्रयोग धर्मी हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यह सर्वत्र स्वतंत्र है, भाषा के मामले में भी, शिल्प के मामले में भी, अभिव्यक्ति के भी मामले में। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हम समाज का ही चित्रण करें, हम अपने अंतर्मन की गहन पीड़ा को भी दिखाकर समाज का चित्रण कर सकते हैं, हम समाज को भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग और प्रयोग के साथ क्या था कि प्रयोग में नई नई चीजें हम खोज रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये हमारा, हम राहों के अन्वेषी हैं, हम नई नई अभिव्यक्ति की राहें तलाश रहे हैं, जिससे हमें अपनी भाषा, हम जो कहना चाहते हैं उसका कोई मार्ग मिलेगा जो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसीलिए पहला तार सप्तक 43 में, दूसरा 51 में, और तीसरा 59 यानी 59 में प्रकाशित हुआ। चौथा भी अज्ञेय जी ने प्रकाशित किया था, लेकिन वो बहुत चर्चित नहीं हुआ। लेकिन जो पहला तार सप्तक है और दूसरा तार सप्तक है, ये बड़े प्रमुख हैं। दूसरा का तार सप्तक ने नई कविता की नींव डाली, और पहले तार सप्तक ने प्रयोगवाद की नींव डाली, इसे समझना होगा। पहला तार सप्तक और दूसरा सप्तक,
पहला सप्तक को तार सप्तक कहा गया, दूसरे सप्तक को दूसरा सप्तक कहा गया, तीसरे सप्तक को तीसरा सप्तक कहा गया। तो जो पहला वाला था उसका नाम था तार सप्तक। तार सप्तक में जो सात कवि हुए थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञेय, ये सात कवि थे। और उन्होंने कहा कि ये सातों कवियों की मनोभूमि पर रची हुई कविताएं ही प्रयोगवाद का आधार थी। तो पहला सप्तक जो था जिसको तार सप्तक कहा गया, वो सप्तक जो है प्रयोगवाद या प्रयोगवादी कविता का आधार शिल्प था। धीरे धीरे प्रयोगवादी कविता जब बदलेगी नई कविता में, तो दूसरा सप्तक जो आता है उसकी जो कविता है और उसकी जो भूमिका है, अज्ञेय की तीनों सप्तकों की भूमिका सबको पढ़नी चाहिए, मिल जाएगा आप लोगों को, पढ़िएगा। उन भूमिकाओं में आपको प्रयोगवाद, नई कविता और नई कविता के विकास की पूरी यात्रा जो है वो अज्ञेय ने खुद भूमिका बत लिया। और उस समय उठ रहे बहुत सारे विवाद थे, प्रयोगवाद के सबसे ज्यादा खिलाफत करता थे नंदुलारे वाजपेयी, और भी बहुत सारे नामवर सिंह थे और लोग थे, उन लोगों ने जब लिखा, बहुत कुछ लिखा गया इसके खिलाफ। अज्ञेय बड़े प्रभावशाली भी थे और प्रतिभा संपन्न भी थे, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने हर लगाए गए प्रयोगवादी कविता पर लगाए गए सभी आक्षेपों का जवाब भी उन्होंने पहले सप्तक के भूमिका में भी आप देख सकते हैं, दूसरे सप्तक में सबसे ज्यादा, तीसरे सप्तक की भूमिका में भी उसे आप देख सकते हैं। तो इस रूप में यह कविता का धीरे धीरे विकसित रूप, जब तार सप्तक आया, उन्होंने अपने कहा कि कवि का युग है, और कवि का युग है इसलिए कवि स्वतंत्र है कविता करने के लिए। वह अंतर्मन की पीड़ा को व्यक्त करेगा और बाह्य मन की पीड़ा को भी व्यक्त करेगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम विषय वस्तु में भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह हम शिल्प में प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। ये लिखते हैं, अब भी उनके बारे में उतनी सच्चाई के साथ कहा जा सकता है कि उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग है, जीवन के विषय में, समाज धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद तुक्के, कवि के दायित्वों के, प्रत्येक विषयों में उनका आपस में मतभेद है। यानी वो जो सात कवि थे वो सब कोई एक गिरोह के सदस्य नहीं थे, वो सब अलग अलग विचार संपन्न लोग थे, अलग अलग उनकी रुचियां थी, उनमें आपसी मतभेद भी थे। तो लेकिन अब उनको एक रूप में, चूंकि वो सब, लेकिन कहा क्या कि उनका दृष्टिकोण जो था वे सब राहों के अन्वेषी थे। ऐसा होते हुए भी वो कहते हैं, ऐसा होते हुए भी वे एकत्र संग्रहित हैं, इसका कारण है काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। तो जो एक अन्वेषी यानी एक खोजकर्ता का जो दृष्टिकोण था भाषा, शिल्प और अभिव्यक्ति और विषय वस्तु के मामले में भी, वो जो काव्य के प्रति अन्वेषण या खोज की भावना थी, वही एकता का सूत्र जो है वो सबको बांध रहा था। इसका यह अभिप्राय नहीं कि प्रस्तुत संग्रह की सब रचनाएं रूढ़ से अछूती हैं या सिर्फ प्रयोगशील हैं, वैसा दावा यहाँ कदापि नहीं किया गया। दावा केवल इतना है कि ये सातों अन्वेषी हैं, राहों के अन्वेषी हैं। तो ये बार बार आगे इस बात को रेखांकित करते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, वो कह रहे हैं हम प्रयोगवादी, वाद शब्द जुड़ा हुआ है लेकिन हम कोई वादी नहीं है और हम वादी रहे भी नहीं है, न प्रयोग न अपने आप में इष्ट या साधन है। ठीक इसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, वो लिखते हैं कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इस रूप में जो अज्ञेय ने अपनी भूमिका में लिखा है उसको आप बहुत गंभीरता से देखिए, समझेंगे तो उस समय जो कुछ भी वाद विवाद चल रहे थे, जो आक्षेप लग रहे थे, उनको उन्होंने बड़े सुलझे हुए ढंग से उन्होंने इस बात को रेखांकित किया और इस बात को बार बार उन्होंने बताने की कोशिश की। और प्रयोग के लिए उन्होंने कहा कि प्रयोग अपने आप में इसने दोहरा साधन है, या जो प्रयोग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रयोग है कैसा, बार बार कहा गया कि प्रयोग कैसा है, कैसा प्रयोग कर रहे हैं आप। तो अज्ञेय लिखते हैं
प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। उन्होंने कहा प्रयोग सिर्फ एक साधन है, वह दोहरा साधन है। कैसा साधन है? दोहरा साधन। कहा एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा साधन है सत्य को जानने का। पहले उस सत्य को जानने का साधन है जो कवि प्रयोग करता है या कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। इसका मतलब है कौन से साधन? शिल्प के साधन, भाषा के साधन, शैली कैसी थी। तो एक और वह विषय वस्तु को जानने का साधन है, दूसरी ओर कला पक्ष को जानने का साधन है। तो ये जो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को जानने के साधन के रूप में उन्होंने कहा यही प्रयोग है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इस बहुत तरह की उनसे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श और बहुत ज़्यादा आक्षेप लगे। और फिर एक बात और लिखते हैं कि जैसे जैसे वाह्य वास्तविकता बदलती है वैसे वैसे हमारे उससे रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियां भी बदलती हैं। अगर नहीं बदलती हैं तो उस वाह्य वास्तविकता से हमारा संबंध टूट जाता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही प्रयोगवाद के संबंध में। उन्होंने कहा कि बस वास्तविकता तो हमारी बदल रही है लेकिन हम उसे पुराने ही नजरिए से अगर हम देख रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि अगर बाहरी वास्तविकता बदल रही है तो हमें हमारे देखने का दृष्टिकोण और नजरिया बदलना होगा, और यदि हमारा नजरिया नहीं बदलता है उसके अनुकूल तो हमारा वास्तविकता से संबंध भी टूट जाएगा, जो कि वह उतना महत्वपूर्ण ढंग से हम उस जिस चीज की हम कविता करते हैं, जिस चीज के लिए कवि जाने जाते हैं, वह कविकर्म उतने सार्थक रूप में नहीं हो सकेगा। तो अब आपने समझा कि प्रयोगवाद नाम क्यों पड़ा। उन्होंने प्रयोगवाद शब्द जो है, प्रयोग शब्द चित्रकारिता, चित्रकार, चित्र कला से आया हुआ है, चित्रकारी जगत से आया हुआ शब्द था, और प्रयोग का संबंध कला से था पहले उन्होंने कहा, लेकिन इनको कलावादी घोषित किया गया। तो फिर अज्ञे ने कहा कि हम कलावादी नहीं है, प्रयोग का संबंध दोनों से है, भाव पक्ष से भी है, कला पक्ष से भी है। फिर उन्होंने कहा कि प्रयोगवादी कवि जो है अपने लिए नए नए रास्ते तलाश करता है अभिव्यक्ति के। फिर उन्होंने एक और बात की कि हमारे समय के बदलते हुए यथार्थ के साथ हमारे टूल्स बदलने चाहिए, समय देखने के लिए हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ये सब बातें प्रयोगवाद के संबंध में आगे कह रहे थे और ये सारी बातें प्रयोगवाद को पुष्ट कर रही थी। लेकिन ध्यान रहे कि इसी प्रयोगवाद के गर्भ से ही नई कविता का विकास होता है, या प्रयोगवादी कविता को ही बदले अर्थों में नई कविता भी कहा। दोनों एक नहीं है, सारे प्रयोगवादी कवि नए कवि भी कहलाए, नई कविता के कवि भी वही है, लेकिन इन्होंने कुछ तो प्रयोगवाद में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रही होगी, या कहीं समय के बदलाहट में, समय के परिवर्तन में कहीं कोई ऐसी चीज थी जिसकी कमी इन्होंने बराबर महसूस की, और फिर इसे कुछ अपने को व्यापक करने की कोशिश की, और फिर इस काव्य आंदोलन का नाम नई कविता पड़ा। वैसे नई कविता का संबंध 42 और 43 में कुकुरमुत्ता कविता 42 में आई थी, उससे भी पहले रूपाभ का प्रकाशन हुआ था 38 में, और वहां से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तारसप्तक में एक जो प्रवाह की लहर थी, अब उस प्रवाह के बाद की जो कविता थी उसमें क्या व्यापकता आई, क्या प्रसार हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में नई कविता को देखा गया तो उसे रेखांकित किया गया कि नहीं ये नई कविता है। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में आचार्य श्री नंदलारे वाजपेयी के आक्षेपों का उत्तर दिया और पूरी काव्य स्तुति को नए वैचारिक कोणों से स्पष्ट किया। दूसरे काव्य तार सप्तक की, दूसरे सप्तक की भूमिका आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, पढ़िएगा, उसमें लिखा है वही वही जो नए दृष्टिकोणों से कविता को परिभाषित करने की बात आगे कर रहे थे, वही आंदोलन, काव्य आंदोलन
प्रगतिवाद, ये भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद में जब प्रगतिवाद मिल जाता है तो नई कविता की शुरुआत होती है। इसे कुछ अर्थों में माना भी जा सकता है, क्योंकि हमें आगे दो ऐसे ध्रुव मिलेंगे जिसके आधार पर हम इसको देख सकते हैं। तो वह नई कविता है जो मिलन की कविता है, जिसमें कोई चीज पहले से थी और जो बाद में थी दोनों मिल गई, तो एक धारा का विकास हुआ और वह धारा विकसित हो जाती है। प्रयोगवाद ने अपने को विस्तार दे दिया और उसका नाम नई कविता हो गया, उसी लिए वो नई कविता कहलाई। इसे इस रूप में देख सकते हैं कि उस नई कविता के दो रूप हमारे सामने आते हैं। अब नई कविता के दो रूप थे, उसमें एक कविता का नाम था आधुनिकतावादी नई कविता और दूसरी कविता का नाम था जनवादी प्रगतिशील नई कविता। तो जो आधुनिकतावादी नई कविता थी उसके प्रवर्तक अज्ञेय रहे, अभी भी अज्ञेय थे, और दूसरी जो साम्यवादी जनवादी प्रगतिशील नई कविता थी उसके प्रवर्तक गजानन माधव मुक्तिबोध थे। तो हमने क्या कहा कि प्रगतिवाद, ये प्रयोगवाद में जब प्रगतिवाद मिल जाता है तो फिर धीरे से इसको नई कविता के नाम से पुकारा जाने लगता है। तो ये दो कविता का रूप जो है, आधुनिकतावादी नई कविता और साम्यवादी नई कविता या प्रगतिशील नई कविता या जनवादी नई कविता, तो एक के प्रवर्तक अज्ञेय रहे, एक के मुक्तिबोध रहे। और हम सबको पता है कि पहले सप्तक के कवि भी मुक्तिबोध थे, जो स्वयं को राहों का अन्वेषी मानते थे। तो इस रूप में हमने थोड़ा सा हमें स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो प्रयोगवाद था इससे किस रूप में भिन्नता हमें दिखाई गई है। प्रयोगवाद में जहां बौद्धिकता की उठान से युक्त नई राह को खोजने की कोशिश प्रयोगवाद में की गई, हालांकि नई राहें खोजने की तैयारी करने पर ये कभी एक सीमा पर आगे नई राह खोज नहीं पाए, यह अलग बात है, इस पर आक्षेप भी लगे। इसके बाद यह तार सप्तक के कवियों में बड़ा बौद्धिकता का जो आचरण था या काव्य स्वभाव था वह थोड़ा सा बोझिल हो रहा था। इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि तार सप्तक से और हिंदी के पहले आधुनिक कवि का नाम अज्ञेय है। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। स्वाधीन पश्चिम साम्यवादी रूस में दोनों विचारधाराएं हिंदी साहित्य से सजग रूप से नियोजित आधुनिक काव्य आंदोलन से परस्पर टकराती हैं, जिनके बीच ये सात कवि अपने निजी व्यक्तित्व की तलाश में गतिशील दिखते हैं। इस दृष्टि से तार सप्तक की भूमिका में उन्हें राहों के अन्वेषी ठीक ही कहा गया है। तो यह उनको राहों के अन्वेषी के रूप में उन सातों की जो भूमिका थी, सातों कवियों की, वह एकमेक हो रही थी, किस तरह से एक साथ दिखाई दे रही थी उसकी बात यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब प्रयोगवाद ने प्रगतिवादी तत्वों को भी अपने में मिला लिया, साम्यवादी जनवादी कविता भी इसमें मिल गई, तो नई कविता के रूप में प्रचार और प्रसार पाती है। ध्यान रहे, पहला सप्तक जो है वो 43 में आया था, दूसरा सप्तक 51 में आया था, 51 में। 1950 से ही नई कविता का दौर माना गया है। तो दूसरा सप्तक जो है वो नई कविता की भूमिका के रूप में है, उसे भी आप लोग देखिएगा। हमने बार बार रेखांकित किया, दूसरा सप्तक की भूमिका आप सब लोग पढ़िएगा, उसमें लगेगा यह नई कविता किन अर्थों में नई कविता है और इसके क्या मायने हैं। ध्यान देना होगा कि जब कविता पर रूपवादी होने का, चमत्कारवादी होने का ज़्यादा, इन्होंने कहा कि आप फॉर्मलिस्ट हैं, यानी आप प्रयोग कर रहे हैं शिल्प के मामले में, तो हालांकि निराला ने बहुत बार कहा कि हम रूपवादी नहीं हैं, हम नहीं, लेकिन फिर भी इस पर वो ठप्पा लगा। अब उस रूपवाद के और उस कलावाद के, प्रयोगवाद में कहा गया कि कला कला के लिए, कला का ये प्रयोगवादी आंदोलन ही प्रगतिशील कविता के से इसी रूप में आया था कि वहाँ कला पक्ष प्रमुख नहीं था, भाव पक्ष प्रमुख था प्रगतिशील कविता में, यहाँ कला पक्ष प्रमुख था। तो कला पक्ष का इतना ज़्यादा दबाव था कि कला कला के लिए हो गई थी। तो वही बाद में मुक्तिबोध ने कहा कि कला कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए होनी चाहिए, और फिर धीरे से इसका विकास होता है। तो जब कला कला के लिए भी और कला जीवन के लिए विस्तार पाती है,
तो नई कविता का जन्म होता है। और आज नई कविता के लिए 50 के बाद की जो कविता थी उस कविता के लिए नई कविता का नाम चला। ध्यान देना होगा 1954 में, 54 में नई कविता आरंभ हुई थी इलाहाबाद से। 50 के आसपास ये आंदोलन शुरू हुआ और 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नाम की पत्रिका आरंभ हुई। और यह कह लीजिए कि वह पूरी तरह से नई कविता आंदोलन को प्रवाहित करने, नई कविता आंदोलन को एक तरह से गतिशीलता देने के लिए, पूरे प्रवाह में लाने के लिए इस कविता ने, इस नई कविता पत्रिका ने बड़ा काम किया। उसके संपादक धर्मवीर भारती, रघुवंश जी और विजय देव नारायण शाही उसके संपादन मंडल में थे। इतने बड़े आलोचक और बड़े कवि हुए सब, इन सब लोगों ने उस नई कविता के पूरे मर्म को समझने की कोशिश की। एक चीज और बताना है जो प्रमुख है, जो आप लोगों को इसमें समझना चाहिए कि जो नई कविता है वो है क्या। नई कविता में एक चीज ये भी जुड़ी कि यहाँ पर जो लघु मानव की संकल्पना थी, आप लोगों ने सुना होगा, तो विजय देवनाथ शाही ने एक लेख लिखा था लघु मानव के बहाने हिंदी कविता में एक बहस। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता में एक बहस तो आलेख है, इसे इस रूप में समझना होगा कि जो जीवन संदर्भ हैं वो एक सामान्य मनुष्य, सामान्य व्यक्ति की आंख से, सामान्य व्यक्ति के निजी अनुभवों से समय और समाज को देखने और उसे रेखांकित करने की जो बात थी उसे समझना होगा। नई पत्रिका के कुछ लेख में लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, अर्थ की लय, रसानुभूति और सह अनुभूति, ये दो तीन निबंध बड़े प्रमुख थे जो बहुत महत्वपूर्ण माने गए। उसमें बिंब विधान, आधुनिकता, विचारधारा पर अनेक बहसें हुई। प्रभाकर माचवे ने भारतीय भाषाओं में नई कविता कुछ नोट्स करके नई कविता में अनेक अंक लिखे। इन सब से नई कविता का एक वैचारिक चिंतन का एक वातावरण बना जिसने नई कविता को बहुत ऊंचाइयां दी। ध्यान रहे 53 में परिमल संस्था, लेखकों की संस्था ने नई कविता पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन इलाहाबाद में ही किया था और वह बहुत बड़ी गोष्ठी थी जिन्होंने नई कविता को एक तरह से स्थापित करने का काम किया था। तो ये जो सारी चीज़ें जो हो रही थी वो प्रयोगवादी कवियों के विस्तार को लेकर और नई कविता के स्वरूप को, नयापन क्या है इसमें, नई कविता के लिए कहा गया कि इसमें नयापन क्या है, उस पर बहुत सारी बहसें हुई। और लगातार ये जो नई कविता के संपादक थे लगातार आलेख लिख रहे थे, लगातार इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा था और उन सब प्रश्नों के भी उत्तर दिए जा रहे थे जो इन पर आक्षेप लग रहे थे। ध्यान देना होगा कि अब का वातावरण, जो 50 के बाद का वातावरण है, वो आज़ादी के बाद का समय है। अब आज़ादी के बाद समय धीरे धीरे कविता में मोह भंग का समय 60 के बाद आता है, आप लोगों को याद होगा। धीरे धीरे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा मध्य वर्ग का विकास होता है, शहरों का विकास होता है, समाज में मूल्यांधता आ जाती है, लोगों में अवसरवादिता आ जाती है, ये सारी चीज़ें, यंत्रणा, संतरास और अनास्था धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इनको नए बिंब और प्रतीकों की ज़रूरत थी, जो नए बिंब और प्रतीकों को देने का काम नई कविता ने किया। नई कविता आंदोलन की विशिष्टताओं, इसके रूपों, इसकी प्रवृत्तियों को विस्तार से विवेचित और विश्लेषित करने वाली बहुत सारी पत्रिकाएं थीं। उन पत्रिकाओं के कुछ अंक भी उस समय के आपको देखने चाहिए। नई धारा एक पत्रिका निकलती थी बिहार से, भारती, लहर, प्रतीक, नया प्रतीक, ज्ञानोदय, नया खून, कल्पना, उत्कर्ष, कृति, निकष, युत्सा, संज्ञा, आलोचना, धर्मयुग, इन सब पत्रिकाओं ने उस समय नई कविता को व्याख्यायित, विश्लेषित और विवेचित करने का काम किया। और इतना ज़्यादा इस नई कविता का प्रभाव था
कि उस समय जो रेडियो स्टेशन थे उनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी वार्ता मालाएं और परिसंवाद नई कविता पर आयोजित किए जाते थे जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते थे और उस पर बार बार एक सीरीज की तरह चलता था, बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत सारे सवाल। तो एक लंबा दौर, जैसा मैंने कहा कि नई कविता के विवेचन विश्लेषण और नई कविता की प्रवृत्तियों को मजबूत करने और नई कविता को स्थापित करने में इस तरह के बड़े एक तरह के आंदोलन इस रूप में चले, जो कि बहुत बड़ी खासियत के रूप में देखा गया। अब देखिए कि प्रयोगवाद और नई कविता के का जो भावबोध था वो क्या था। तो हमने देखा कि आधुनिक काल में भावबोध तो आधुनिक ही है, लेकिन उस आधुनिक भावबोध में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। अब वह परिवर्तन क्या था? परिवर्तन संवेदनाओं का था। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, आजाद हो चुके थे हम धीरे धीरे, या आजादी की लड़ाई लगभग 43 में पहला शतक, जब दूसरा शतक आया 51 में, तो हम आजाद हो चुके थे। तो अभी नई कविता और प्रयोगवाद की सम्यक रूप से बात की जाए तो वह बड़ा ट्रांजिशन का फेज था हमारी। हम सांस्कृतिक रूप से भी बड़े ट्रांजिशन पीरियड में थे, ऐतिहासिक रूप से, राजनैतिक रूप से, अनेक रूपों में हम वह समय संक्रांति का समय था जिसमें हम बहुत ज़्यादा संक्रांतिक हो रहे थे, बदलाहट आ रही थी, ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं उसको। और दूसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध लड़ा जा चुका था और उसके बाद की जो विभीषिका थी उसको हमने अपनी खुली आंखों से देखा था। अब जिस मन ने उस द्वितीय युद्ध की विभीषिका को देखा हो, उस मन पर जो अस्तित्ववाद का संकट गहराता है, उस मन पर जो आत्मनिर्वासन का भाव गहरा होता है, उस मन पर जो अकेलापन, ऊब, अंधकार और निराशा जो पैदा होती है, उससे लड़ने का ये समय था। आप ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती का अंधा युग एक नाटक है, उसे पढ़िए। वो युद्ध की, उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो विभीषिका है, उसमें युद्ध की विभीषिका और युद्ध के बाद का जो वातावरण है उसकी संवेदना को आप इस रूप में रेखांकित कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया जा चुका था, उसके बाद मनुष्यता तार तार हो रही थी, उसके बाद की क्या स्थितियां थी, हम कितने ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से हिल चुके थे, हम पुनः अपने अस्तित्व के बारे में विचार कर रहे थे। तो जो मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद जो हिंदी कविता में आया, उसकी जड़ें हमें ये विश्व युद्धों में देखनी चाहिए। तो ध्यान देना होगा, हमने कहा कि धीरे धीरे हम विकसित हो रहे थे, धीरे धीरे हमारा ऐतिहासिक और राजनीतिक मानदंड बदल रहा था, वहीं हमारा भावबोध बदला, धीरे धीरे हमारा भावबोध बदला। यानी छायावाद के समय हम दूसरा भावबोध में थे, प्रगतिवाद के समय दूसरे भावबोध में थे, लेकिन प्रयोगवाद और नई कविता के समय हमारा भावबोध फिर बदल रहा था। जब हमारे अंदर भावबोध बदलता है तो विषय वस्तु का चुनाव हम अलग करते हैं, विषय वस्तु बदलती है तो अभिव्यक्ति के साधन बदलते हैं, हमारी भाषा बदलती है, हमारी अभिव्यक्ति बदलती है, हम भाषा के मामले में और अधिक नशंस और नंगे हो जाते हैं। आप मुक्तिबोध को पढ़िए, बाद में धूमिल को पढ़िए, भाषा का नंगापन क्या होता है आपको मालूम चलेगा। यह नंगापन ऐसे नहीं आया होगा, यह इसी इन सभी संत्रास, पीड़ा और इस अस्तित्व के संकट से लगातार संघर्ष करने के बाद ये स्थितियां बनी होंगी। आगे हम समकालीन कविता पर इस पर जो विस्तार से विचार करेंगे। बहरहाल, प्रकृति इतिहास के अलगाव से जो आत्मनिर्वासन, अकेलापन, ऊब, अंधकार और निराशा पैदा हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति नई कविता में होती है। और हमने कहा कि जब सारी मर्यादाएं, सारा आचरण नष्ट हो जाता है, अब आप अंधायु कविता को आप ले लें, देखिए उसमें कि पंक्तियां आती हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो, असत्य का हो, असत्य का हो, अंत में दोनों जर्जर करते हैं। तो यहाँ सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं। वो कहता है कि पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का, अंत में दोनों जर्जर करते हैं, आप सत्य के साथ रहें या असत्य। तो ये सब कुछ मिटने का समय है, हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग, अश्वत्थामा है संजय अंधियारा,
है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है लज्जा जनक पराजय है। आप देखिए ये जो अंधियारा है, जो अश्वत्थामा की गति है, जो संजय की पीड़ा है, जो मूल्य अंधता का अंधा युग है, हम सब के मन में गहरा उतर गया है युग। ये जो हम सब के मन में गहरा उतर गया है युग, ये है क्या? वो वही युग है जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का युग है, जो हमारे मन में अंतःकरण में बहुत गहरे उतर गया है। हम पीड़ा में हैं, छटपटाहट में हैं, अस्तित्व के संकट से हम जूझ रहे हैं। अब इसकी कहीं ना कहीं इसकी अभिव्यक्ति होनी होगी, इनकी अभिव्यक्ति हमें कलाओं में करनी होगी, कविता में करनी होगी, साहित्य में करनी होगी। तो यह वही समय था जब इतने खुले रूप में, इतने आक्रामक रूप से वो सारा जो मानसिक द्वंद था, वो हमारा मूलभूत हमारी संवेदना संवेदन क्षमता थी, वो प्रकट होती है। तो जो आधुनिक भावबोध है, तो उसको मुक्तिबोध ने कहा कि मैं अपनी खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी से बता सकता हूं कि अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत आता है। फिर उन्होंने और आगे कहा कि आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी आता है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दत्तचित्त हों तथा हम वर्तमान परिस्थिति को सुधार सकें, नैतिक ह्रास को थामे, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की योजना करें। तो दो बातें प्रमुख हैं। पहली, आधुनिक भावबोध जो इस समय मुक्तिबोध का जो समय है, उसमें दो चीजों की ओर इशारा करते हैं। एक तो विरोध की ओर इशारा करते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज, और दूसरी ओर भविष्य के प्रति जो एक सुंदर सुखद मनुष्यता का भविष्य हो उसकी योजना। यानी यह कवि कर्म ही था, एक कवि सिर्फ अन्याय पर आवाज ही नहीं उठाता, अन्याय पर आवाज उठाकर वह भविष्य की ओर इशारा भी कर देता है। और वह भविष्य की ओर इशारा करना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, दोनों जब मिल जाते हैं तो यही आधुनिक भावबोध है। इसी को आधुनिक भावबोध कहा गया, और कहा गया कि कवि जो है अपने समाज से सीधे वार्तालाप करता है। बोध, उन्होंने कहा भावबोध एकांत का एकालाप नहीं है। भावबोध जो है वो अकेला आप बड़बड़ाते हैं या उसका अपना आपका एकालाप नहीं है, वह समाज से, मानव से सीधा वार्तालाप है, जिसमें एक कवि भी है। एक ऐसा वार्तालाप जिसमें भावनात्मक और बौद्धिक परिष्करण की संस्कृति को व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। सच तो यह है, खुद उन्होंने कहा मुक्तिबोध ने, कि सच तो यह है कि नई कविता के भीतर कई स्वर और कई शैलियां हैं, कई शिल्प हैं, कई भाव पद्धतियां हैं। नई कविता एक प्रकार का काव्य प्रकार का नाम है। उस काव्य प्रकार के भीतर अनेकानेक व्यक्तिगत शैलियां, शिल्प, रचना विधान और जीवन दृष्टियां हैं। तो आप इस रूप में उस पूरे सृजन संदर्भों को नई कविता के रूप में देख सकते हैं। अब प्रगतिवाद के बाद जो नई कविता है, या प्रयोगवाद और नई कविता है, उसकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां होंगी। वो प्रवृत्तियां कैसी थी? प्रवृत्तियों के संबंध में दो चार बातें, उस समय की कुछ कविताएं भी हैं, आप देखते समझते चलें, आपको समझ में आएगा कि जो काव्य संबंधी जो पुरानी पुरानी जो अवधारणा थी, उसमें बदलाव आया। जीवन को देखने की जब दृष्टि बदलती है, तो आपकी काव्य संबंधी जो अवधारणा है वह भी बदल जाती है। यानी जो अनुभूति थी, अब वह सह अनुभूति हो गई। पहले कवि की अनुभूति थी छायावाद में, वो जो अनुभूत करता था, लिखता था कल्पना में, लेकिन अब जो लिख रहा है वह सह अनुभूति है। सह अनुभूति क्या है? समाज की जो अनुभूति है वही हमारी अनुभूति है। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि जो यथार्थ है वो ज्यादा गहरा है। दूसरी बात है, उस नग्न यथार्थ का जो भावबोध है, यथार्थ को, नग्न यथार्थ को एक और शब्द कहा जाता है कविता में, कि जो यथार्थ है उसको जो आप अभी अभी अनुभूत करते हैं और अनुभूत करके जो अभिव्यक्त करते हैं,
तो नग्न यथार्थ की नग्न अनुभूति ही है, वो जो उसे अनुभूत करते हैं वही आपको सह अनुभूत के रूप में ले जाती है। अब कहा गया कि पहले की कविता रसानुभूति की कविता थी, लेकिन अब जो कविता है वो कविता क्षणवादी कविता है, क्षण में ही कविता है, जिस क्षण में हम हैं उसी में कविता है, उसी में ही उसका मर्म है, रस तक जाने की जरूरत नहीं है। तो रस के खिलाफ, एक तरह की खिलाफ नहीं कहेंगे, रस के अतिरेक, रस के अतिरिक्त उन्होंने कहा कि क्षणवाद पर आधारित जो कविता है वो हमें ज़्यादा समाज से जोड़ती है, वो ज़्यादा उस नब्ज को पकड़ती है जो जिस नब्ज में, जिस समाज, जो समाज जिस रूप में सांस ले रहा होता है। फिर उन्होंने कहा कि यह लघुमानों का दर्शन है। जब उन्होंने कहा लघुमानों, लघुमानों क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध ने कहा कि लघुमानों वाला सिद्धांत जनसाधारण की मार्मिक आध्यात्मिक शक्तियों और भव्यताओं से आंखें फेर ली गई। जहां पर उन आध्यात्मिक शक्तियों और भव्यताओं से आंखें फेर लेकर उस सामान्य व्यक्ति की ओर आंखें लगा देना, यही तो था लघुमानों का सिद्धांत। स्वयं अज्ञेय के सृजन में अपराजित मानव का रूप देखिए, उन्होंने लिखा, पर हारता नहीं न मरता है, पीड़ित श्रमरत मानव, अविजित दुर्जय मानव, कमकर श्रमकर शिल्पी सृष्टा, उसकी मैं कथा हूँ, मैं वही हूँ। तो जो बात कभी निराला वहाँ कह रहे थे, क्या कह रहे थे निराला वहाँ, कि मैंने एक देखा एक दुखी जन भाई, मन में उपज वेदना आई। तो यह वेदना उस समय भिखारी की वेदना से मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी जन भाई, मन में उपज वेदना आई। अब वह वेदना कितने रूपों में बदल कर, कितने ज़्यादा यथार्थ से जुड़कर वो कहते हैं, पर हारता नहीं न मरता है, पीड़ित श्रम रत मानव, शिल्पी सृष्टा, उसकी मैं कथा हूँ। अब वह जो अभी निराला छायावाद में क्या कर रहे हैं, उस दुखी और पीड़ित व्यक्ति से द्रवित हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है इस कविता में, अब दुखी और पीड़ित और शोषित व्यक्ति में और कवि कवि में अंतर ही नहीं रहा, वो एकमेक हो गए हैं, वही सहानुभूति रूप में हम आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी ही मैं कथा हूँ, उसकी मैं कथा हूँ, तो मैं स्वयं, मेरा जीवन उसी की कथा हो जाए। तो इस रूप में भी इस काव्य स्वरूप को देखने की, अब इसमें क्या अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता सिर्फ बौद्धिक सहानुभूत नहीं है कि उसके आंखों के आंसू देखकर आपके मन में आंसू आ जाए, यहाँ बौद्धिक ईमानदारी की भी बात है, अनुभूत की ईमानदारी की भी बात है, और फिर प्रामाणिकता, अनुभूत की प्रामाणिकता की बात है, कितनी प्रामाणिक है। श्रीकांत वर्मा ने लिखा, आपने श्रीकांत वर्मा का नाम सुना होगा, बहुत बड़े कवि हैं, मैं गौर से सुनता हूँ औरों के रोने को, मगर दूसरों के दुख को अपना मानने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। तो देखिए, ये जो सिर्फ सहानुभूतिक दुख था वो किस रूप में श्रीकांत वर्मा ने उसको और सघन बना दिया, कहा कि रोते हुए आदमी को देखकर द्रवित होना, ये तो वही है, मैं गौर से सुनता हूँ औरों के रोने को, मगर दूसरों के दुख को अपना मानने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, यानी दूसरों के दुख को अपना नहीं मान सका। तो यहाँ ये इतनी ईमानदारी आ गई कि कब ये कहने लगा कि भाई तुम रो रहे हो, लेकिन तुम रोते हो, लेकिन मैं अपने को रोता हुआ नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये कहने की ईमानदारी इस प्रयोगवादी नई कविता में वो दिखाई देता है। स्वाधीनता बाद के बाद का जो कुछ मोहभंग का दौर था, यह मोहभंग का दौर समकालीन कविता में और मुखर होता है, लेकिन उसकी शुरुआत नई कविता में हो जाती है। लगातार आप रघुवीर सहायक की आत्महत्या के विरुद्ध हो, मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा हो, इस तरह से उन कविताओं को आप देखिए तो धीरे धीरे वह मोहभंग दिखाई देने लगता है। काले काले बादल छाए आए नवीर जवाहरलाल, तो यहाँ जो आविकर्षण भाव है,
आकर्षण भी है, विकर्षण दोनों का मिला हुआ जुला भाव है, वो कविता में धीरे धीरे प्रखर होने लगता है। और वो नई कविता के रचनाकारों ने उस मोहभंग की कुछ कविताएं शुरुआती रूप में लिखी, जो धीरे धीरे चलकर समकालीन कविता में एक व्यापक आंदोलन के रूप में दिखाई देती हैं। आप अंधेरे में देखिए, अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही, कराहों की लहरों में पाशव प्रकृति वेदना भयानक थरथरा रही है। तो ये जो मोहभंग था, गांधी की हत्या हो जाती है, उसके बाद नैतिक मूल्यों का विघटन कितना तेजी से हुआ, मूल्यों का अंधकार का युग कहा गया, यह सारा कुछ नई कविता के दौर में हो रहा था। इसीलिए अब इसमें प्रयोग की जो परंपरा है, उस प्रयोग की परंपरा के संदर्भ में हमने बताया कि वो जो रूढ़ का बासीपन था वो मिट गया। आपने अज्ञेय का बहुत प्रचलित वाक्य सुना होगा, वो कहते हैं कि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो वो जो रूढ़ और पुरानी बातें हैं, वो कहते हैं वो वही चीज़ें हम बार बार करते हैं, वो मैं तुमको तारिका नभ की नहीं कहता, और वो कविता बड़ी अच्छी है, पढ़िएगा। तो वो उस रूप में हमें देखने को मिल जाती है जिस रूप में प्रयोग की परंपरा का संदर्भ जुड़ता है। विसंगति और विडंबना, यानी जो आयरनी की बात है, वह भी नई कविता के दौर से ही शुरू हुई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, जो नई कविता में बीज रूप में मिल रही हैं, उन्हीं का विकसित रूप हमें समकालीन कविता में और उसके बाद की कविता में दिखाई देगा। अब यहाँ क्या है, जो विसंगति है, एब्सर्डिटी है, और जो विडंबना है, आयरनी है, वो आप देख सकते हैं। खुद अज्ञेय ने लिखा, इसका कवित्व एक गंभीर बात को निहायत अगंभीर ढंग से कहने में है, या अगंभीरता कविता के स्वर में है। यानी बहुत गंभीर बात भी जो है अगंभीर रूप से कही जा रही, उसे रेखांकित करने की बात कवि ने की। और उन्होंने कहा कि अब जो आयरनी है वही है, वो हमने अभी मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस कविता के समय बताया, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो ये जो विडंबना है, ये अंदरूनी पाठ भी है और बाहरी पाठ जो समाज का है, स्वयं के अंतर्मन और बाहर के समाज के पाठ के बीच में पिस गया, यही तो विडंबना थी। और ये शहरीकरण मशीनीकरण से उपजी विसंगति और विडंबना को हम इस रूप में देख सकते हैं। और फिर हमने बात की अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी स्वर की, तो जो दो विश्वों के बीच से हमारा मन इतना भयाक्रांत था, उस पूरी मनोभूमि पर जो अस्तित्व का संकट मंडरा रहा था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की शहरी प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी और विज्ञान की गति, एक ऐसा भयानक समय, मृत्यु, अवसाद, आत्मनिर्वासन और अकेलापन, जो हमें अस्तित्ववादी कविता की ओर ले जाता है, यहीं से निकला है मोहभंग। ये धीरे धीरे आप समकालीन कविता की ओर बढ़ते जाएंगे, जिसके बीज रूप हमें यहाँ मिलते हैं। रामविलास शर्मा ने नई कवियों पर ही नहीं कहा, आलोचकों तक पर भी अस्तित्ववाद का असर माना। उन्होंने कहा है कि यह शीत युद्ध की डरावनी स्थिति का आतंक है, इसीलिए नई कविता में व्यापक स्तर पर अस्तित्ववादी प्रवृत्तियां सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि नई कविता व्यक्तित्ववाद, स्वातंत्र्यवाद, आधुनिकतावाद की सीधी छाप है। पूंजीवादी जीवन पद्धति का रक्तपाई वर्ग के साथ नाबिनाल संबंध की मुक्तिबोध यूं ही चर्चा नहीं करते। उन्होंने कहा, खाओ पियो मौज करो, लूटो खाओ हाथ ना आओ, यह अवसरवादी जो चिंतन है वो आधुनिकतावाद की देन है। इसे इस रूप में हमें देखना चाहिए। प्रकृति सौंदर्य और नई दृष्टि, प्रकृति जहाँ आलंबन रूप में स्थित थी छायावाद में, प्रकृति का जो सहगामी रूप हमें प्रगतिवाद में दिखाई देता है, लेकिन अब प्रयोगवाद और नई कविता में वही जो प्रकृति का सौंदर्य है, वो अलग तरह का एक अनुराग प्रकृति के प्रति हमारा दिखाई देता है। कई बार वह जो आदिम प्राकृतिक गंध का जो अनूठा संसार है, नरेश मेहता के यहाँ नभ की आम छाओं में बैठा बजा रहा वंशी रखवाला, तो अपनी जो जीवन के प्रति जो राग विराग आस्था अनास्था जो कवियों की रही, वो प्रकृति बोध का सहारा लेकर किस रूप में
वही है या हम देख सकते हैं आपने सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा इत्यादि बहुत सारी नए प्रतीकों बिंबों में लिखी गई अनेक कवियों को आपने पढ़ा होगा, सिसिर निसासी लंबी पलकें झुकती देखी हैं। सर्वेश्वर ने लिखा है कि सिसिर निशासी लंबी पलकें झुकती देखी हैं, तो वहाँ एक ऐसा दर्शन प्रकृति का मिलता है जो ऐसा लगता है कि तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल रूप में हमारी ही अभिव्यक्ति का विकसित रूप है। काव्य रूप के संबंध में भी एक बात प्रचलित है कि हमारी काव्य रूप जो हमारा काव्य रूप यानी कविता का रूप कैसा हो, छंद कैसा हो, प्रबंध काव्य हो या मुक्तक हो या कैसा हो, यह डिपेंड करता है या यह उस पर आश्रित है कि आपकी भावभूमि कैसी है, कविता की भावभूमि कैसी है, कविता की विषय वस्तु कैसी है। तो आप हम इसमें देखें कि जो नई कविता है उसमें नवगीत भी हैं, गजलें भी हैं, काव्य नाटक हैं, काव्य नाटकों का विशेष प्रयोग है, अंधायुग वगैरह आप देख लीजिए, आत्मजयी वगैरह आप देख लीजिए, इस रूप में नई कविता में अनेक तरह की सृजनात्मकता भी हमें देखने को मिलती है। ब्रह्म राक्षस अंधेरे में या असाध्य वीणा जैसी लंबी कविताओं के रूप में भी इसके वितान को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी को हम इसमें देख सकते हैं, इसके स्वरूप को देख सकते हैं। काव्य भाषा के रूप में हमारी भाषा और ज़्यादा सहज सरल तो नहीं कहेंगे, सहज सरल निमुक्तिबोध ने खुद कहा कि अब जो भाषा है वह सहज सरल भाषा लिखना सबसे कठिन है, जोखिम भरा काम है। अज्ञेय ने लिखा कि काव्य के जो भी गुण बताए जाते हैं या बताए जा सकते हैं अंततोगत्वा भाषा के ही गुण हैं। तो जो भाषा कैसी हो, भाषा अब इस समय की भाषा ज्यादा नग्न यथार्थ से जुड़ी भाषा है, तो ध्यान रखना होगा प्रतीकात्मक भाषा ज्यादा हो गई है, हम प्रतीकों का सहारा ज्यादा ले रहे हैं, कई जगह हम भाषा में बिंबों का सहारा लेते हैं, बिंब के माध्यम से हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं। शब्द अब भी चाहता हूं पर वह कि जो जाए वहां वहां होता हुआ तुम तक पहुंचे, चीजों के आर पार दो अर्थ मिलाकर सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे मुझे दे, देता रहे जैसे छंद केवल छंद, घुमड़ घुमड़ कर भाषा का भास देता हुआ मुझको उठाकर निशब्द देता हुआ। अब यह भाषा का रूप नई कविता के रूप में, इसी प्रकार बिंबों और प्रतीकों का में जो नयापन था वो भी आप देखते हैं, छंदों और लय में जो तुकांता थी, मुक्तिबोध का जो अन्य बहुत सारी मुक्तिबोध की कविताएं या तमाम तरह के हाइकू छंदों का इस्तेमाल जापानी कविता की तरह इस कविता में भी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता वस्तु और रूप का नया काव्य मुहावरा सन 60 तक धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगता है। अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, क्षणवाद से भी पाठक धीरे धीरे उबने लगते हैं। तो सन 62 के भारत, याद होगा कि सन 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था, नेहरू युग का जाल जंजाल उसमें भी समाप्त हुआ, चीन की विजय हुई थी। अकविता, भूखी कविता, पोस्टर कविता, युत्सावादी कविताओं आदि ने बहुत सारे नारे दिए थे, नया युग का यथार्थ फिर से लिखा जा रहा था, जिसे बाद में अन्य कोई बहुत बड़ा सही नाम नहीं मिला तो उसी को हमने बाद में नाम दे दिया समकालीन कविता। तो हमने वहाँ कहा कुछ चीज़ें हैं मोहभंग की बातें हैं और जो नई काव्य प्रवृत्तियों का दबाव है, उन सब ने मिलकर समकालीन कविता को 60 के बाद जो साठोत्तरी कविता है, एक नाम और दिया जाता है साठोत्तरी कविता, तो 60 के बाद की कविता को हमने समकालीन कविता माना। और वह समकालीन कविता की कुछ अपनी खासियतें थी, वो बहुत सारी खासियतें वो पहले हमने प्रयोग नई कविता के संबंध में आप लोगों को बताएं, उनका विकास हमें वहाँ देखने को मिल जाता है। हम अगली यूनिट में इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे समकालीन कविता की कुछ अपनी खास विशेषताएं थी जो पहले नहीं थी, यानी वो भी कहीं ना कहीं कोई नई चीज़ जुड़ी होगी तभी ये नया नाम आया,
वो किन अर्थों में आया वो हमें समझ लेना होगा। समकालीन कविता, जैसा कि मैंने कहा कि मोह भंग का समय और ज़्यादा अपने गहरे यथार्थ के साथ समाज में दिखाई देने लगा, और तरह के नारे 62 में जो चीन और भारत युद्ध हुआ उसने भी एक जो बना हुआ जो भ्रम का जाल था उसने छिन्न भिन्न कर दिया। और उसके बाद जो नेहरू युग के प्रति जो गहरा मोह भंग इस कविता की सर्वप्रमुख विशेषता है, उस रूप में हमें इसे 60वीं कविता के रूप में भी देखा गया और उसी को हमने समकालीन कविता भी माना। अनेक आलोचक ऐसे भी हैं जो संपूर्ण परिवेश के यथार्थ की कविता कहना उचित समझते हैं, कहते हैं यह संपूर्ण परिवेश के यथार्थ की कविता है, इसे 60वीं कविता और 80 के बाद की कविता बाद में बोले कि इसी का 60वीं कविता को बाद में हम 80 के बाद की कविता, इस तरह के अनेक नाम दिए गए। तो सृजन युग में परंपरा, आधुनिकता, निरंतरता, परिवर्तन और अनेक प्रक्रियाओं के परिणामों के फलस्वरूप इस तरह की काव्य प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, और धीरे धीरे जो बासी या जड़ी भूत सौंदर्य अभिरुचियाँ थीं वो धीरे धीरे उन पर प्रहार हुए और नई सृजन व्यापार, नई सृजन चेतना के साथ नए काव्य सौंदर्य को उपस्थित करती हुई इस कविता का दावा, समकालीन कविता का दावा है कि वह न तो भावोवेग है न कल्पना का अतार्किक विस्तार है, वह तो जीवन जगत के व्यापार अनुभवों के सच्चे और ठोस आधारों को अपनाती है। इसलिए वह यथार्थ के भीतरी बाहरी जिए भोगे गहरे आत्मसंघर्षों, तनावों, दबावों से विवश होकर रची जाती है। जीवन जगत की कठोर स्थितियों परिस्थितियों का प्रभाव दबाव समकालीन कविता में इतना अधिक बढ़ गया है कि कवि स्वयं ही जूझ कर लहूलुहान है। उसकी कविता खुद से अपने परिवेश से मुठभेड़ करती हुई कविता है। इस कविता के बारे में कहा गया कि कवि अपने स्वयं से स्वयं ही मुठभेड़ कर रहा है। इसलिए व्यापक अर्थों में कहा जा सकता है कि परिवेश ही इस काव्य सृजन की मूल प्रेरणा है। जो परिवेश में है वही इस सृजना का मूल है। परिवेश से संबंधित है यानी समय से संबंधित भी होगा, इसीलिए समकाल से प्रभावित कविता है, इसीलिए समकालीन कविता कहा गया। जिसमें समकाल हो वही समकालीन कविता है, जो अपने परिवेश से बहुत गहरे अर्थों में जुड़ी हो। यहाँ महामानव और लघुमानव की बहस को समाप्त करता हुआ मामूली आदमी या सामान्य मानव कविता के केंद्र में आया है। वो सामान्य आदमी कोई भी हो सकता है, लघुमानव भी हो सकता है, महामानव भी हो सकता है। उसके बहस में इसने कहा कि हमें नहीं पढ़ना, हमें सामान्य मानव को कविता में प्रतिष्ठित करना है। इसलिए इस सृजन कर्म में परिस्थितियों के घात प्रतिघात से बदली राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक संवेदना पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। इस सृजन का कोई काव्यशास्त्र निर्मित अभी तक नहीं हुआ था, पुराने प्रतिमानों से इसे समझा नहीं जा सकता था, इसलिए समकालीन कविता को जीवन जगत के यथार्थ को की खुली अभिव्यक्ति के कारण सूत्र रूप में परिभाषित भी नहीं किया जा सका। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि समकालीन कविता अपने परिवेशगत यथार्थ की व्यापक अभिव्यक्ति है। नेहरू युग के बाद की राजनैतिक विकृतियों, विद्रूपताओं, जीवन के हर क्षेत्र में विघटित टूटते मूल्यों, पीड़ाओं, कुंठाओं, मरते स्वप्नों, विक्षोभों ने इस काव्य सृजन की अनुभूतियों, संवेदनाओं, अनुभवों में अभिव्यक्त पाई है। यह काव्य सृजन युग की पीड़ाओं, चिंताओं से साक्षात्कार करता हुआ हमें विकल बेचैन कर देता है। इसीलिए इसमें अस्तित्ववादी काव्य मुहावरे की अभिव्यक्ति मिलती है। अस्तित्ववादी मुहावरा हमें देखने को मिलता है। निराशा, अवसाद, क्रोध, झुंझलाहट, मूल्य विहीनता की कविता होने पर भी यह अनास्थावाद की कविता नहीं है, यह गहरी आस्था की कविता है। अपनी दिशा दृष्टि में यह नई पीढ़ी या आज़ादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी की संघर्ष की गाथाओं से भरी जीवट की कविता है। आपने ध्यान दिया होगा,
यह सारा जो संघर्ष है, संघर्ष की गाथाएं हैं, वो आपकी धूमिल की, मुक्तिबोध की कविताओं में, रघुवीर सहाय की कविताओं में, धूमिल की कविताओं में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्रजातंत्र, प्रजा और तंत्र दोनों किस रूप में एक नहीं रहे, अलग हो गए। हर आदमी मेरे लिए, हर आदमी मोचीराम के लिए एक जोड़ी जूता है। तो इस रूप में फिर से नई परिभाषात्मक रूप से नई कविता अपने को जोड़ती है, अपने नए परिवेशगत सौंदर्य से जोड़ती है, जो सारा परिवेश आपको उस कविता के स्वरूप में दिखाई देगा। नई कविता अपनी रूढ़ियों से, काव्य सृजन से मुक्ति पाने का भी प्रयास है, क्योंकि यह कविता एब्जर्ड और उलूल जुलूल कविता, सांप्रतिक कविता, कोलाज कविता, ताजी कविता, इन सभी काव्य आंदोलनों को आत्मसात भी कर रही थी। 7वें दशक में लघु पत्रिकाओं के माध्यम से सभी काव्य आंदोलन घास की तरह फूटे और समाप्त हो गए, लेकिन इनकी छवि कहीं ना कहीं इस पूरे काव्य आंदोलनों के समय उस कविता की सृजनात्मकता के रूप में हमें दिखाई देती रही। अब राजनैतिक, आर्थिक और साहित्यिक जागृति का समय था, वो किस रूप में आया? नेहरू के युग की नीतियों से हताश जनमानस ने मार्क्सवाद, लोहिया, समाजवाद की विचारधाराओं को व्यापक स्तर पर ग्रहण किया। नए तरह का चिंतन, विनोबा का सर्वोदयवाद, गांधीवाद, क्षणवाद, इन सब ने घुल मिलकर धीरे धीरे नक्सलपंथी, अत्यधिक गर्म विचारों के मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, जयप्रकाश नारायण की लोक क्रांतिवादी, समाजवादी विचारधाराओं वाले युवकों ने अनेक आंदोलन सामाजिक रूप से भी किए, और जिनका असर हमें कविताओं में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो कैपिटलिज्म था, और बाद में जिसको लेट कैपिटलिज्म कहा गया, नव पूंजीवाद कहा गया, उसके जो क्रांतिकारी, जो उसके पहलू थे, जो उसके कह लीजिए तकनीकी पहलू थे, जो टेक्निकल उसके टूल्स थे, उसको बहुत गहराई से, उसको बहुत ही संवेदना के साथ देखने का प्रयास कविता में किया गया है। ये जो पूरे देश में तोड़फोड़ और घटिया मानव द्रोही राजनीतिक राजनीति के हाथों तबाह किया जा रहा था, इसको केदारनाथ सिंह की कविता उत्तर कबीर में और बाघ आदि संग्रहों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस रूप में धूमिल ने जो जिस नंगेपन की बात कर रहा था, भाषा का जो नंगापन था, वही नंगा और अंधापन जो धूमिल के यहाँ दिखाई देता है, संसद से सड़क तक की कविता में जो आदमी है, वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। अब यह काव्य मुहावरा, इसमें मलेज अपनी ताकत इसको इसमें देते हैं और कहते हैं, एक पीढ़ी पराई हो गई अपने ही देश में, तो जो आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हमें, हमारे, हमने अपने जीवन को बहुत अधिक उन्नत और सुधार नहीं किया, और हमारे समाज में कितने तरह की विसंगतियां मौजूद हैं, उस पर ये करारा प्रहार लगातार उस मोहभंग के को दिखाता रहा। नागार्जुन ने लिखा है, हरिजन गिरिजन नंगे भूखे हम तो डोले वन में, खुद तुम रेशम साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में, महंगाई की सूर्प नखा को ऐसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के सिर पर डाल रही हो। तो ये जिस प्रकार से इंदिरा के समय, इंदिरा युग के बारे में बाबा हरिजन गाथा लिखते हैं, वो हमें देखनी चाहिए। निरंतर बढ़ती महंगाई, भुखमरी और वो आत्मनिर्वासन की पीड़ा हमें दिखाई देती है। पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति इत्यादि की बहुत सारी योजनाओं ने किस तरह से दम तोड़ दिया, किस तरह से किसी काम की नहीं रही। तो अब आप देख, उसी वजह से एक आदमी की जो चेतना थी, वो लगातार अपने को विकासमान चेतना थी, लेकिन इतना संघर्ष बढ़ गया समाज में, आत्मसंघर्ष बढ़ गया, समाज का दबाव बढ़ गया, तो मुक्तिबोध को ब्रह्म राक्षस कविता में यही बिंब बनाना पड़ा, पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। आपातकाल 75 के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लोक क्रांति के दौरान पूरा जनजीवन संकटपूर्ण और उथल पुथल था। रघुवीर सहाय ने उस समय के परिवेश और उसकी कविताओं को
लिखा है, 20 वर्ष खो गए भर में उपदेश में, एक पीढ़ी जन्मी पली पुसी क्लेश में, बेगानी हो गई अपने ही देश में। जो आत्महत्या के विरुद्ध कविता में हमें ये पंक्तियां देखने को मिलेंगी, जो 20 साल आज़ादी बीत चुकी है उसके बाद ही वह पीढ़ी जो पली पुसी बेगानी हो जाती है अपने ही देश में, उसका कोई कर्णधार नहीं मिलता, उसकी कोई उसको पूछने वाला नहीं मिलता। तो ये इस तरह की जो पीड़ाएं थीं वो समकालीन कविता में हमें दिखाई देती हैं। अब लुकमान अली के लिए लुकमान अली का उदाहरण उस समय आप अवसरवादी स्वार्थपरता के रूप में कवि ने प्रकट किया है, और ये दो पंक्तियां आपको सुननी चाहिए। लुकमान अली के लिए स्वतंत्रता उसके कद से केवल 3 इंच बड़ी है, वह बनियान की जगह तिरंगा पहनकर कलाबाजियां खाता है, वह चाहता है कि 5वें आम चुनाव में वह बौनों का प्रतिनिधित्व करे, उन्हें टाफियां बांटे जाति और भाषा की, उन्हें कस्में खिलाए। तो ये जो विद्रूपता विसंगति समकालीन कविता की केंद्रीय संवेदना रही है, यहाँ पर कोई चीज न कह कोई चीज कहने का संकोच नहीं बचा, आप जो कुछ भी है कह देता है, कब उस सारी विद्रूपता और विसंगति को कह देता है। पटकथा में धूमिल लिखते हैं, दरअसल अपने यहाँ प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। आपको इनकी और प्रमुख पंक्तियाँ पता होंगी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ अपने देश की संसद से, मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा था, और उस समय भी हम देख सकते थे कि वहाँ कोई लाग लपेट नहीं बची थी, वहाँ सत्ता के प्रति कोई ऐसा आग्रह नहीं था कि हमें नहीं कहना, हम उस पूरे नंगे यथार्थ को कहते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। इस प्रकार जो समकालीन कविता है, इस तमाम तरह के आंदोलनों से निकली हुई कविता है, इसके जो रघुवीर सहाय ने वो संपूर्ण जीवन कहा, वह कवि थोड़े से में खुश नहीं होना चाहता, वो कवि कहता है कि मैं अब थोड़े से में नहीं खुश होऊंगा, मुझे संपूर्ण जीवन चाहिए। इसीलिए रघुवीर सहाय ने कहा, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, न कम न ज्यादा। तो उस पूरे जीवन का जो आग्रह है वो आपको रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, मलयज से लेकर आज अशोक वाजपेयी तक की कविताओं में उस संभावनाओं को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से जो समकालीन कविता है उसने बहुत विकासात्मक रूप से आगे चलकर इसने बहुत सारे मार्ग प्रशस्त किए, उसमें प्रगतिशील यथार्थ की धारा बही, इसमें इलाहाबाद के परिमल से जुड़े हुए जो कवि थे उन्होंने एक अलग, लेकिन ये सब जुड़े हुए थे, तार सप्तक वाले कवि अलग थे, स्वाधीनता आंदोलन से जो तो ये सारे कवियों का नवगीत वाले कवि थे, इन सारे कवियों ने मिलकर समकालीन कविता को बहुत आगे बढ़ाया, और इसके छोटे छोटे आंदोलन भी प्रकट हुए जो आपको कविता के विकास में, अकविता आंदोलन में, समानांतर कविता में या इस रूप में आपको वहाँ देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर अब आप रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध ले लो, हंसो 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 हंसो, धूमिल की संसद से सड़क हो, मलयज का जख्म हो, दुष्यंत कुमार की प्रमुख कविताएं उस समय आप जलते हुए, वन का वसंत हो, इस तरह से शमशेर काल तुझसे होड़ है मेरी, विजय देवनारायण शाही की साखी, गिरजा कुमार माथुर का मैं वक्त के सामने हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने, इत्यादि कविताओं ने समकालीन भावबोध को मुखर किया। और सन 1980 को फिर से एक बार कविता की वापसी का वर्ष कहा गया, ऐसा लगा कि जैसे फिर से कविता की वापसी, इसीलिए 80 के बाद की कविता भी रेखांकित की गई। इस वर्ष क्या हुआ कि बहुत से काव्य संग्रह ऐसे प्रकाशित हुए जिनमें राजनैतिक, सामाजिक विकृतियों और विषमताओं पर कवियों के तेवर विद्रोही मुद्राओं के साथ खुलकर सामने आए, वो चाहे धूमिल हों, चाहे अशोक वाजपेयी हों, उदय प्रकाश हों, श्रीकांत वर्मा हों, अरुण कमल हों, इन सब की अंतर्वस्तु ने काव्य भाषा के स्तर पर भी नई दिशाओं को खोला, और विषय वस्तु के संदर्भ में भी उन्होंने बड़ा काम किया। केवल
थोड़ा सा ऊंघ कर कह देते, सूंघ कर कोरी तुक बनती थी, कविता क्या खाक थी वाली दिशा से भी बहुत आगे जाने के संबंध में। इसमें कुल मिलाकर ये था कि जो राजनैतिक दबाव था, जो समाज पर देखिए धीरे धीरे ये प्रौढ़ मन यह समझने लगा था धीरे धीरे कि जो कुछ भी समाज में घटित हो रहा है उसका कहीं ना कहीं सूत्र गहरी राजनीति में, गहरी शासन सत्ता के पास में। जो कुछ भी यहाँ घटित हो जा रहा है उसके उसकी जड़ें या उसका स्रोत वहाँ है, ये समझ धीरे धीरे पैदा हुई और धीरे धीरे वो कविता के माध्यम से समकालीन कविता और उसके बाद की कविता में वो हमें अपने नए रूप में भी दिखाई देती है। विजय देवनारायण शाही ने साखी कविता में लिखा कि सत की परीक्षा साधो आज मेरे, सत की परीक्षा है, बीच में आग जल रही है, उस पर बहुत बड़ा कड़ा रखा है, उस कड़ा में मुझे सबके सामने हाथ डालना है, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। तो यह जो सत की परीक्षा है वही कविता की परीक्षा थी और इस रूप में आप इस पूरी कविता और उस पूरे कविता के केंद्र को समझ सकते हैं, इसके विकास को आप समझ सकते हैं। और चंद्रकांत देवताली का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, रोशनी के मैदान की तरफ अरुण कमल की कविता उर्वर प्रदेश जैसी कविताएं इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण कमल ने लिखा, मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूढ़ों ने फेंके हैं अंकुर। तो इस प्रकार से जो अंकुर है वो नए नई दिशा की ओर संकेत है, नए आशावाद की ओर संकेत है। उस पूरे काव्य रूप ने, उस पूरी भाषा ने, उस छंद और लय ने अनेक नए मुहावरे हमें समकालीन कविता में नए बिंब और प्रतीकों के माध्यम से हमें दिया। केदारनाथ सिंह की दो पंक्तियां बड़ी प्रमुख हैं उस समय, एक असहाय आदमी कैसा है, एक असहाय आदमी का प्रतीक दिया, वह एक ऐसा जानवर है जो दिन भर भूसे के बारे में सोचता है और रात भर ईश्वर के बारे में। तो एक मनुष्य की, एक सामान्य असहाय आदमी की स्थिति ये थी कि वह एक ऐसा जानवर के रूप में तब्दील हो गया है कि वह दिन भर अपने खाने के विषय में, अपने भूसे के विषय में सोचता है और रात भर ईश्वर के विषय में। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। श्रीकांत वर्मा की मगध एक कविता है, उनमें उन्होंने उस पूरी मनुष्य के उसी पूरे स्वरूप को व्याख्यायित करती है जो बदले हुए स्वरूप में व्यक्ति दिखाई देता है, मनुष्य दिखता है। केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं, केवल अशोक सिर झुकाए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। तो यह कविता जो है, इस तरह की कविताओं ने उस समय के नए मुहावरे दिए। एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम अक्सर रघुवीर साहब की कविता लेते हैं, बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती स्त्री और मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता है। तो यह एक बिंब है और यह बिंब हमारी उसी भारतीय जीवन का बिंब है जो हम अक्सर देखते हैं, निर्धन जनता का शोषण, निर्धन सामान्य व्यक्ति का जो तरह तरह से जो शोषण हो रहा है उसे हम देखते हैं। और वह सब कुछ समकालीन कविता में, जो कुछ भी हिंदुस्तान के बाहरी भीतरी इतिहास राजनीति के यथार्थ में प्रतिबिंबित हो रहा था, वह सब कुछ समकालीन कविता के माध्यम से व्यक्त हो रहा था। और यही समकालीन कविता बाद में 80 के दशक की बाद की कविता, हालांकि समकालीन कविता जो आज तक की भी कविता को हम समकालीन कविता कहते हैं, लेकिन अनेक लोगों ने फिर धीरे धीरे 80 के बाद की कविता, नक्सलवाड़ी कविता, ये कविता, तमाम तरह के नाम दिए। बहरहाल हमें इस रूप में इसे समझना चाहिए कि जो परिवेश के प्रति आग्रह था, जो राजनीतिक समझ थी, जो अवसरवाद था, जो ऊब पीड़ा उत्कंठा और तमाम तरह की विसंगति बोध था, वो सारा कविता के माध्यम से प्रकट हो रहा था, जो जिसने समकालीन कविता को अनेक नए मुहावरों और अनेक टूल्स को डेवलप करने में मदद की। यही इस समय की कविता और उसकी एक अन्यतम विशेषता के रूप में भी देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अभिषेक जी, अभिषेक जी, आज जी मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि उनके जो कुछ भी प्रश्न हो वो कृपया चैट बॉक्स के माध्यम से लिखिए। दो प्रश्न मुझे दिख रहे हैं पर मैं उन प्रश्नों को रखूंगा नहीं क्योंकि ये आज की कक्षा से संबंधित नहीं है,
असित जी ने जो प्रश्न किया है, लक्ष्मी प्रिया जी ने उसको जो प्रश्न किया है, वो आज की कक्षा से संबंधित नहीं है, पिछले कक्षा से संबंधित वो प्रश्न है। इस कारण उन दोनों प्रश्नों को मैं उठा यहाँ नहीं रखूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि लगातार प्रश्न, जो कुछ प्रश्न द्वंद इस कक्षा से, इस व्याख्यान से, इस विषय से संबंधित जो आपके मन में हो, यहाँ पे लिख करके प्रकट करें। एक प्रश्न सर अभी आया है हाल फिलहाल, मैं आपके समक्ष वो पहले रखता हूँ। कमल पटनायक जी ने प्रश्न पूछा है कि प्रयोगवाद में जो जो कला कला के लिए न होकर जीवन के विकास के लिए है, उस संदर्भ में अज्ञेय की कविताओं की भूमिका किस प्रकार रही है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रयोगवाद में जब इन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले तो आग्रह था कला कला कविता जो है, कला कला जो है कला के लिए है, तो कला की उपेक्षा पहले प्रगतिवाद में हो चुकी थी, तो उन्होंने कला पर आग्रह दिखाया। लेकिन धीरे धीरे कहा गया कि भाई सिर्फ कला कला के लिए होगी तो मनुष्य के लिए कहाँ होगी, जीवन के लिए कहाँ होगी, तो इसे जीवन से जोड़ना चाहिए। तो कला जीवन के लिए विकसित रूप में जब हमें दिखाई देती है, आप असाध्य वीणा कविता पढ़िए, तो जो कलाकार है वो कलाकार कैसा है, प्रियंवद क्या है, प्रियंवद सिर्फ कला ही नहीं, वो सिर्फ कलाकार नहीं है, बजा वो जीवन का कलाकार है। तो वो लिखता भी है कि सिद्ध साधक नहीं हूं मैं, वो नहीं हूं सिद्ध नहीं हूं मैं, साधक हूं और जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूं, ये उस कविता की पंक्तियां हैं। तो जीवन का जो अनकहा सत्य है वो कलाकार कह रहा है, तो यही कला जीवन से जुड़ती है। और जो असाध्य वीणा जीवन की तत्वता है, संपूर्ण जीवन की तत्वता है, संपूर्ण जीवन की जो समर्पण क्षमता है, हम जब समर्पित हो जाते हैं तो जो कला का जो जीवन से जुड़कर जो कला निकलती है वो हम सबको अनुप्राणित करती है। इस रूप में असाध्य वीणा कविता को हम ले सकते हैं। और कला कविता के रूप में आपने वह दीप अकेला कविता पढ़ी होगी, वह दीप अकेला इठलाता वो इसे भी पंक्ति को दे दो, मधमाता इसे भी पंक्ति को दे दो, तो वो जो पंक्ति को देने की बात है वह व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर जाने का इशारा है, जीवन के उत्सर्ग का इशारा है। तो वहाँ कला जो है वो क्या कर रही है, जीवन को उत्सर्ग सिखा रही है। तो इस रूप में शुरुआती कुछ कविताओं को छोड़ दें जो सिर्फ कलावादी कविताएं थीं, बाकी अज्ञेय की लगभग संपूर्ण कविता साधना जो है वो जीवन की प्रतिपूर्ति के लिए ही, वो कविता उस कला का इस्तेमाल जीवन की ही अभिव्यक्ति के लिए किया, आप इन सब कविताओं के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। और कुछ? हाँ, एक प्रश्न दीप्ति जी ने किया है, वो पूछते हैं कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का अंतः संबंध कैसा है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का अंतः संबंध कैसा है? हाँ, तो देखिए, यह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का कोई अंतः संबंध प्रयोगवाद प्रगतिवाद के खिलाफ या उसके बरक्स खड़ा होने वाला आंदोलन है। इसमें पूरी वैचारिकी के बदल जाने का आंदोलन है। तो जो इनमें अंतः संबंध है वह सिर्फ एक है, यानी दो चीजें अगर जुड़ जाती हैं तो वह प्रयोगवाद हो जाता है, और सिर्फ एक ही चीज रहती है तो वह प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद ने कहा कि कविता सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए होनी चाहिए, शोषितों वंचितों के लिए होनी चाहिए, पहली बात। प्रयोगवाद ने कहा कि अगर हम सिर्फ शोषितों वंचितों या समाज के लिए कविता लिखेंगे तो हम कला की उपेक्षा कर देंगे, हम कवि की उपेक्षा कर देंगे, कवि के मन की जो व्यथा कथा है उसकी हम उपेक्षा कर देंगे। तो इसे भी जोड़ दीजिए, तो जब यह भी चीज जुड़ गई तो प्रयोगवाद आता है। तो प्रयोगवाद में उन्होंने कहा कि ये प्रयोग जो है दोहरा दोहरा सिद्धि है, एक ओर यह उस सत्य को जानने का आग्रह है जो कवि का सत्य है, जो कहना चाहता है, और दूसरा ओर यह उस सत्य को जानने का आग्रह भी है जिस टूल के माध्यम से वो सत्य उजागर हो रहा है। तो प्रगतिवाद के खिलाफ ये एक तरह से उसके विरोध में उपजा हुआ प्रयोगवादी आंदोलन था, लेकिन प्रगतिवाद की जो एक अन्यतम विशेषता थी कि वो समाज के लिए चिंतित थे, तो वो समाज की चिंता भी इसमें प्रयोगवाद में मिल जाती है। जब मुक्तिबोध ने कविता आरंभ की और मुक्तिबोध को कहा गया कि ये साम्यवादी जनवादी प्रगतिशील नई कविता के पक्षधर हैं, और वह जब प्रयोगवाद से मिल जाती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का
बहुत विकसित रूप प्रयोगवाद है, लेकिन कुछ मामलों में तात्कालिक रूप से या उसके बरक्स या उसके खिलाफ उपजा हुआ आंदोलन था। जी सर, निश्चित तौर पर। हाँ, आगे बढ़ते हुए सर प्रश्न लेते हैं। और एक प्रश्न, हाँ प्रश्न एक ने पूछा है कि समकालीन कविता की मुख्य विशेषता क्या रही, या उस काव्य की समकालीन कविता जो हम बात करते हैं तो उस युग की प्रमुख धारा या प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। समकालीन कविता की प्रमुख धारा के बारे में बताइए। अच्छा ठीक है, समकालीन कविता हमने कहा कि जो प्रयोगवाद था या नई कविता विकसित रूप में, तो उसमें कुछ चीजें हमें दिखने लगी। वो क्या थी, शुरुआती समझ में आना चाहिए जो समकालीन कविता की जो भावभूमि बनती है वो दो तीन चीजों से बनती है। पहली चीज थी कि जो विश्व युद्धों की जो मनःस्थिति थी, जो अस्तित्ववादी संकट था, और उसके बाद जो नेहरू युग का मोहभंग था, यानी 10-15 सालों में कुछ हुआ नहीं, जनता की उन्नति हुई नहीं, तो नेहरू के प्रति जो अविकर्षण भाव या मोहभंग था वह, दूसरी चीज जो अस्तित्ववाद था, तीसरी ओर एक काम और हुआ कि विज्ञान और तकनीकी ने प्रगति की और मध्य वर्ग का विकास हुआ, पलायन बहुत ज्यादा हुआ, शहरों की आबादी बढ़ने लगी, तो आदमी जो है एकाकी अनुभव करने लगा। तो जो व्यक्ति के मन की पीड़ा थी, गांव का आदमी चल के शहर आया अपनी उन्नति के लिए, तो वह अकेला हो गया, नॉस्टैल्जिक हो गया, उसको घर की याद सताती थी। अब ऐसे में उसकी अपनी व्यथा कथा थी, वह स्वयं उन्नति के लिए समाज में जाता था तो बेरोजगारी थी, उसको रोजगार नहीं था, या जो उसकी अपनी योग्यता थी उस आधार का योगदान रोजगार नहीं था, तो समाज की विसंगतियां और उसकी अपनी विसंगतियां, मध्य वर्ग की एक खास बात होती है कि वो उन्नति करना चाहता है, यही उन्नति का जो संघर्ष है वो मुक्तिबोध की कविताओं में हमें दिखता है, और वो कहते हैं पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच। तो ये दो तीन चीजें ऐसी थीं जिनमें मोहभंग था, अस्तित्ववादी संकट था, युद्ध की विभीषिका थी, और जो ये मोहभंग था, और तीसरी चीज जो हमने बताई, इन सब ने एक ऐसा पर्यावरण या परिवेश रचा जिसने समकालीन कविता को नए अर्थों में, नए मुहावरे में, और सीधी सीधी बात करने में, सपाट बयानी की कविता भी इसे कहा गया। तो समकालीन कविता जो है अपने इन्हीं परिदृश्यों में बनी हुई कविता थी, इनके बीज सूत्र हमें नई कविता में मिल जाते हैं, लेकिन समकालीन कविता ज्यादा नए मुहावरों में आई कविता थी, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं था, वो जीवन के प्रति पूरी तरह आग्रही थी, हमें हम तो लेंगे सारा का सारा जीवन। और वो सीधे सीधे कहने लगे, बाबा नागार्जुन तो कहते ही हैं, सीधे सीधे आक्षेप करने लगे, धूमिल सीधे सीधे कहने लगे, आप धूमिल का पटकथा कविता पढ़िए, उसकी अंतिम लाइनें हैं कि आज भी उचाट और दरिद्र की व्यथा से उचाट और कुंठता हुआ सारा का सारा देश आज भी मेरा कारागार है। तो वो इतने सालों बाद भी वो कारागार महसूस कर रहे हैं अपने देश, यानी पराधीनता महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी विशेषताएं समकालीन कविता की थी, जो सच को सच कहने के पक्षधर में थे, अपने परिवेश को रच रहे थे, परिवेश में समय भी आ जाता है, यथार्थ भी आ जाता है, इसीलिए इसको समकाल की कविता कहा गया, समकालीन कविता कहा गया, तो इसे इस अर्थों में लिया जा सकता है। जी सर, सर मैं एक प्रश्न अपने ओर से, प्रश्न एक मन की दुविधा या कहें अपने विचार रखूंगा, क्योंकि जब हम डॉक्टर शिव कुमार शर्मा को पढ़ते हैं, ये मैं प्रयोगवाद और नई कविता के संबंध में अपना प्रश्न रख रहा हूँ। जब हम शिव डॉक्टर शिव कुमार शर्मा या शिव कुमार मिश्र? नहीं सर शिव कुमार शर्मा अच्छा जी, उनको उनको मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि ये दोनों धारा यानी कि प्रयोगवाद और नई कविता, ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 बिल्कुल से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए या नवी नई कविता उन्हीं का परिणाम है, तो ये कितना सार्थक है स्वयं में, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रयोगवाद नई कविता की तो बहुत लोग इससे सहमति नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि नई प्रयोगवाद चलो ठीक है आया, नई कविता उससे भिन्न है, उसमें कुछ दोनों में कोई समानता नहीं है, पर हम जब देखते हैं तो मानते हैं उसका विकसित रूप लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, इसे समझना चाहिए। असल में क्या है कि जो प्रयोगवाद है और जो नई कविता है, ध्यान रखिए कि जितने प्रयोगवादी कवि हैं वही सब नए नए कविता के कवि हैं, यानी प्रयोगवाद नाम में और प्रयोगवाद के काम में कहीं वो ऐसी कमी बची होगी
जो नई कविता में पूरी हुई होगी, तो क्या कमी थी? तो नए प्रयोगवाद में शिल्प पर ज्यादा जोर था, कला पक्ष पर ज्यादा जोर था, कविता की कला यानी उसके शिल्प यानी उसकी भाषा को मांझने नई ताजगी लाने की बात ज्यादा थी, विषय वस्तु पर ध्यान उतना अधिक नहीं था जितना नई कविता का आया। इसीलिए हमने व्याख्यान में बताया कि प्रगत प्रयोगवादी कविता आगे चलकर दो धाराओं में विभाजित हो गई। नई कविता के ही दो नाम हुए, एक आधुनिकतावादी नई कविता जिसके पक्षधर थे अज्ञेय, और एक दूसरी थी साम्यवादी और प्रगतिशील कविता नई कविता जिसके अपने मुक्तिबोध जिसके आग्रही थे। तो कहने का मतलब, जब प्रगतिशील प्रयोगवादी कविता में प्रगतिशीलता के तत्व समाहित हो जाते हैं, और कहने के ढंग में और विषय वस्तु में जब कुछ नयापन आ जाता है, तो धीरे धीरे वही कवि और वही लेखक फिर कुछ और नई बदलाहट के साथ आते हैं, जिसको नई कविता 53 के बाद 54 में नई कविता पत्रिका आती है, और फिर धीरे धीरे हम इसको नई कविता के नाम से जानने लगते हैं। तो मुख्य बात क्या है, उन्होंने कहा कि जो प्रयोगवाद में जो भी वैचारिकी है या जो भी विचार है उन्हीं का विकसित रूप है। मैं थोड़ा ये कहता हूँ कि विकसित रूप भी है और कुछ चीजें नई भी जुड़ी हैं, और जो नई जुड़ी हैं वो परिवेश का समाज का जो यथार्थ था वो जब जुड़ जाता है कविता में, गहन रूप से जुड़ जाता है, तो वो नई कविता आंदोलन के रूप में देखा जाता है। जी सर, निश्चित तौर पे। सागरिका जी ने एक प्रश्न पूछा या लिखा है, अपना मत मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने लिखती है कि प्रयोगवाद की जो तारसप्तक के प्रवक्ता थे प्रवक्ता, हाँ अज्ञेय जी, अज्ञेय जी, उनको उनको भारतेंदु जी के मंडल थे, उनके साथ तुलना कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो तार सप्तक के जो प्रमुख जो कवि थे या तार सप्तक के जो मंडल थे, लेखन मंडल, उसका तुलना हम लोग भारतेंदु मंडल के साथ कर सकते हैं, जैसा वो पूछना चाह रही हूँ। मुझे, मैं जहां तक समझ पाया हूँ, जो प्रवक्ता है बंडल जी के, उनको भारतेंदु जी के मंडल थे, उनके साथ तुलना कर सकते हैं। भारतेंदु बिल्कुल कर सकते हैं, तुलना के लिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहिए। लेकिन देखिए, युग और परिस्थिति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर युग और परिस्थिति या रियलिटी वही की वही समय भी हो, तो हम तुलनात्मक रूप से उसकी प्रासंगिकता की बात कर सकते हैं। लेकिन भारतेंदु के समय जो चिंताएं थी वो दूसरी थी, और अज्ञेय के समय जो चिंताएं थी वो दूसरी थी। सिर्फ मंडल के समय जो तार से, अच्छा, मंडल जो था वो सम्यक रूप से अपने मंडल के बारे में अज्ञेय ने भी कहा कि हम लोग जुड़े तो 7 लोग हैं, लेकिन सब लोग भिन्न भिन्न सोच वाले हैं। हम राहों के अन्वेषी हैं, राह के अन्वेषी नहीं कहा, राहों के अन्वेषी कहा, यानी हम जितने हैं उतने तरह की राहें हैं। लेकिन भारतेंदु मंडल में, भारतेंदु और उस समय की जो वैचारिक थी या चिंतन था, जिस रूप में वो अपने देश को आगे देखना चाहते थे, औपनिवेशिक सत्ता से आज़ाद कराना चाहते थे, उसके लिए वो मिलजुल कर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत मिलजुल कर काम करने वाली बात नहीं थी, यहाँ सब स्वतंत्र थे। उन्होंने कहा, कवि अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसकी अपनी चेतना है। तो इस रूप में भी देखना चाहिए कि जो मंडल जैसी कोई बात तारसप्तक के में नहीं थी, यहाँ सब अलग अलग भिन्न भिन्न विचार वाले लोग थे। तारसप्तक की भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को एक साथ देखना होगा। हाँ, इन सबों ने कविता के कला पक्ष में, भाव पक्ष में नए नए प्रयोग किए हैं, इसलिए हम इन्हें प्रयोगवादी कवि मानते हैं। तो इसे थोड़ा सा अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे कवि बाद में विकसित रूप से, ये सब नए कवि भी कहलाए, समकालीन कविता में भी आए, तो इन सब का विकास बहुत अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार थे, उनके जो चिंतन का विषय था, जो वैचारिक जो चिंताएं थी, वो उस युग के अनुकूल थी, और उसी का साहित्य लिखते थे। आगे
जी सर, इसके तहत तो कोई प्रश्न नहीं, वो सागरिका जी ने वही चीज कहा, वो पूछ रही है कि उन दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, तो वो तो हम लोग चर्चा कर ली। दीप्ति जी ने एक प्रश्न किया है कि समकालीन कविता को विद्रोही कविता क्यों कहते हैं? समकालीन कविता को विद्रोही कविता इसलिए कहते हैं कि परिवेश की कविता है। हमने कहा कि ये कविता परिवेश की कविता, परिवेश में क्या है कि राजनैतिक रूप राजनीति का षड्यंत्र हमारे सामने आ गया, नेहरू युग के प्रति जो मोहभंग था वो भी हमारे सामने आ गया। यानी हम यह समझने लगे कि हम जो ये आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसका मूल्य जो है सरकार तय करती है, सत्ता तय करती है, यह बात हमें समझ में आ गई। इसलिए अगर वह रोटी महंगी होती है तो हम विद्रोही हो जाते हैं। सीधी सी बात है, राजनैतिक रूप से जो जागरण था, राजनीति के प्रति या सत्ता के प्रति मोहभंग था, और जो सामाजिक परिवेश का जो दबाव था, यथार्थ का दबाव था, वो इतना ज्यादा था कि हमें विद्रोही होना पड़ा। वहां मुक्ति धूमिल का जो मोचीराम है वो कहता है कि बाबूजी मेरे सामने कोई भी आदमी नहीं है, हमारे सामने हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो वहां ये इतना इस कदर का विद्रोह, इस तरह की भावनाएं आने लगी थी। तो विद्रोही कविता इसलिए कहते हैं क्योंकि भाव के रूप में हम कुछ कहने, जब हम कुछ कहने में संकोच न करें, तो यानी हम खुलकर कहेंगे, हम जब सवाल करेंगे धूमिल की तरह, हम पूछेंगे कि भाई वह तीसरा आदमी कौन है, हमारी संसद मौन है, बता नहीं रही है कि वो रोटी से जो खेल रहा है वो कौन है। तो हम जब इस तरह कविताएं करेंगे, नक्सलवाड़ी मूवमेंट आएगा तो हम विद्रोही कविता कहेंगे उसे, क्योंकि हम कुछ छिपा रहे नहीं है, हमें प्रतीकों का सहारा लेना नहीं है कि हम प्रतीकों के सहारे में कहें कि कोट के बटन में लगा हुआ गुलाब, हम अपने हम सीधे सीधे सरकार से सवाल करेंगे। तो इसलिए उस कविता पर परिवेश का, राजनीति का और समाज के यथार्थ का दबाव इतना ज्यादा था कि वह भाषा जो है कविता की विद्रोही हो गई, इसलिए वह विद्रोही कविता कहा जाता है। जी सर, निश्चित तौर पे इसके इतर अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न हो। अच्छा, एक प्रश्न कमल जी ने लिखा है, वो पूछते हैं कि प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता में जो लंबी कविताओं की शैली विकसित होने की विशेषताएं क्यों आन पड़ी कवियों के समक्ष, जैसे ब्रह्म राक्षस, असाध्य बीना, आत्महत्या के विरुद्ध? हाँ, बढ़िया सवाल है। इसका एक ही उत्तर है, एक ही वाक्य में इसका उत्तर देना चाहूँगा कि मुक्तिबोध ने भी कहा है इस बारे में कि लंबी कविताएं क्यों। तो लंबी कविताएं इसलिए उस दौर में लिखी गई क्योंकि मानव मन की पीड़ा जो थी उसकी अभिव्यक्ति, मानव मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति चार पंक्तियों में नहीं हो सकती थी, दो पेज में नहीं हो सकती थी। उसके लिए लंबी कविता लिखने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हम मानव मन की पीड़ा की कविता लिख रहे थे, हम अपने मन की पीड़ा की और वह पीड़ा इतना विस्तार पा रही थी कि वह थोड़ी सी शब्दों में, थोड़े से शब्दों में नहीं आ सकती थी। इसलिए इसके विस्तार का कारण सामाजिक यथार्थ और मानवीय अनुभूति की पीड़ा की अभिव्यक्ति का विस्तार था, उस विस्तार के कारण यह कविता लंबी हुई। जी सर, निश्चित रूप से। इसके इतर सर विद्यार्थियों के प्रश्न नहीं है, तो हम आज की कक्षा पर यही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि विषय स्वयं में भी बड़ा था। और विद्यार्थियों सर आपको धन्यवाद लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों आपका भी कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर अभिषेक गौतम सर को, कि सर ने अपना समय निकाला, अपना समय दिया हम लोगों को। तो बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार विद्यार्थियों का, बहुत बहुत आभार हमारी तकनीकी टीम का, निशांत जो आज हमारी तकनीकी सहायता में है, तो निशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सर आपका आभार, शुक्रिया और नए शुक्रिया। विषय के साथ सर पुनः हम लोग मिलेंगे इस आशा के साथ। सर आज की कक्षा यही समाप्त होती है, अच्छा है तो सर अपने कॉल अपने ओके वो सेंड कर सकते हैं। ओके ओके, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जी सर, प्रिय विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कमल जी ने एक मैसेज लिखा है, जिंदगी भर आपकी कक्षाओं की यादें में, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह विषय विशेषज्ञ अलग अलग भिन्न भिन्न विषय विशेषज्ञ आते रहते हैं, तो आपको भी आनंद आता है कि नए विषय पर नए विषय विशेषज्ञ को सुने। तो निश्चित तौर पे दीपा कुमुदिनी ने क्या उस टाइम पे कोई रुकावट होता इस कविता के कारण, या फिर उसे छिपाया जाता था? मैं समझ नहीं पाया दीपा जी आप क्या कह रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं।
अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप हमारी जो MSD की व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई है उस पर भी आप लिख करके पूछ सकती हैं। आपके प्रश्न का मैं शायद तक पहुंचा दूंगा या स्वयं भी मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। अच्छा लेट में आई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिए कि दोबारा समय से। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों आपका, निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया, आप सबका धन्यवाद। इसी तरह आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना अपनों का ध्यान रखें और खूब पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज की इस कक्षा में जुड़ने हेतु।